वो देश जो अपने आधुनिक हथियारों के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, जो अपने दुश्मनों से निपटने के लिए आए दिन एक से बढ़कर एक हथियार इजाद करता है, दुनिया के सैन्य उपकरणों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, वैश्विक हथियार बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी है और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं इसराइल के बारे में और इसी के साथ हम आपको बताएंगे इसराइल में बनने वाले कुछ खास हथियारों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के बारे में। इसराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इसराइल में छोटे हथियारों और विस्फोटकों का निर्माण 1930 के दशक के दौरान हुआ था। तब से इसराइल के बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े हथियार बनने लगे। अब बात करते हैं इसराइल में बनने वाले कुछ खास हथियारों के बारे में। सबसे पहले हम आपको उजी सबमिशन गन के बारे में बताते हैं। इसराइल में बनी ये गन अपने कॉम्पैक्ट साइज के लिए लोकप्रिय है। इसके साथ ये इतनी घातक है कि इसके सामने किसी भी दुश्मन का टिक पाना लगभग नामुमकिन है। गोरिल्ला लड़ाकों और स्पाई एजेंट्स का ये सबसे पसंदीदा हथियार है। दूसरे नंबर पर है आयरन डोम। ये अपने तरह का एक खास हथियार है जिसे इसराइल के दक्षिणी क्षेत्र में इसे लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयरन डोम करीब 70 किलोमीटर दूर से ही किसी रॉकेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है। आपको बता दें, नवंबर 2012 में 8 दिनों के अंदर इसने 421 मिसाइलों को मार गिराया था। तीसरे नंबर पर है F-161 सूफा फाइटर जेट। इस जेट में कई घातक हथियार है और एक खास रडार है। इसके साथ ही इसराइल के पास एक ऐसा हेलमेट है जिसके जरिए वह सिर्फ देखकर दुश्मनों पर निशाना लगा सकते हैं। चौथे नंबर पर है एक खास प्रकार का ड्रोन। कई सेंसर और खतरनाक हथियारों से लैस ये ड्रोन अपने टारगेट को पलक झपकते ही खत्म करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन एक दिन में ज्यादा समय तक हवा में बने रह सकता है। पांचवें नंबर पर मार्कोवा MK-4 टैंक। इस घातक टैंक में 120 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम और स्मोक स्क्रीन ग्रेनेड्स भी लगे हैं। दुनिया के कई लड़ाकू विमानों में इन सभी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसराइल अब तक फिलिस्तीन, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और ईरान जैसे देशों से कई बार जंग लड़ चुका है। इसी के चलते इसराइल ने 1950 के बाद से ही अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने का काम किया। आज इसराइल की गिनती उन ताकतवर देशों में होती है जिसके पास एक से एक खतरनाक हथियारों का जखीरा भरा पड़ा है। आज भी जब जब बात आती है दुश्मनों को हराने के लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसराइल को सबसे पहले हथियारों के रूप में याद किया जाता है। शुक्रिया।